नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, ये नींबू की प्रजाति पर चौथा और अंतिम भाग है। मैंने भाग एक, दो और तीन में लगभग आपका 10 प्रजातियों से परिचय कराया है। ये प्रजातियां जो हमारी नागपुर की विजिट थी उसके दौरान CCRI में हमने देखी थी। इससे पहले बहुत सारी वीडियो आप YouTube पर देख चुके होंगे नींबू के बारे में, लेकिन इतनी प्रजातियों का और क्या क्या प्रजाति है ये शायद आपने पहली बार सुना होगा। आइए इस श्रृंखला में, इस अंतिम भाग में प्रस्तुत है एक ऐसा लेमन जिसे आप देखकर अचंभित होंगे। इसे असम लेमन या आसाम नींबू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं एक बहुत खूबसूरत फल। अनिल जी मुझे बहुत घुमाते हुए ले आए यहाँ तक। दिखाइए अनिल जी, क्या आप दिखाना चाहते हैं? ये है सर आसाम लेमन। ये देखिए, ये आसाम लेमन है। ये करीब 250 ग्राम का होगा, छोटे से छोटा भी ये 100 ग्राम का है। सबसे यूनिक है, बिल्कुल हमारे यहाँ जो लौकी की तरह है उस तरह है ये। जो छोटा बैंगन होता है ये देखिए, ये आसाम लेमन है। भयंकर प्रोडक्शन, ये देखिए कितना बड़ा। इसे हमारे यहाँ गलगल भी बोलते हैं। खासियत ये कि ये फल भी बन गया और फूल भी आ रहे हैं। हाँ, ये देखिए कितना प्रोडक्शन है इसका। तो अगर बिक्री हो तो लगाने में ये भी कोई बुरा नहीं है। ये देखिए लेमन, इसे 2 रुपए किलो नहीं लेगा कोई। तो किसान भाइयों, ये अभी आपने देखा कि असम लेमन जो अचार आदि में काम आता है, इस लेमन को आसाम में बहुत पसंद किया जाता है। और ये बाग लगा है, देखिए कितना बड़ा लेमन है। किसान भाइयों, आजकल आप सब जानते होंगे कि देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हम सब कोरोना से लड़ रहे हैं और ये हमारा दायित्व भी है। कोरोना के बारे में व्हाट्सएप पर और जो सोशल मीडिया है उस पर लोग बहुत से उपचार भी बता रहे हैं। मेरे को भी बहुत से उपचार लोग भेजते हैं। मेरी उन सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस प्रकार किसी भी इलाज का एक दूसरे को प्रेषित न करें, एक दूसरे को न भेजें। किसान साथियों, रात दिन इस बात पर कहा जाता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है और एक इस पर उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया है टेलीग्राम में। आप अगर किसी बात की सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो उसे अवश्य ज्वाइन कर लें। इस प्रकार की बातों में न पड़े और अपने को जहां तक हो सकता है भीड़ से अलग रखें। घर से बाहर बिल्कुल मजबूरी में ही निकलें। किसान भाइयों, अगर हम नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें एक दूसरे से डिस्टेंस बनानी है, यही इसका तोड़ है। अगर आपको कोई परेशानी है तो डॉक्टर के पास जाइए, जो वो दवाई देता है उसको लीजिए और कोशिश करिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके अपने घर पर रहिए। मुझे लगता है हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, सभी चीजों की भरपूर मात्रा में उपस्थिति है। आप जाइए, बाजार से सामान ले आइए, नियमों का पालन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस घड़ी में हमें जो पुलिस वाले हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, हमें उनका भी सोचना चाहिए। हमें इसे एक अपने पिकनिक का साधन नहीं बनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सब इन बातों पर ध्यान रखेंगे और किसी भी भ्रामक प्रचार में नहीं आएंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।